वस्ती जिले गांधरबल में कोरोना वायरस की मोहलिक बीमारी को देखते हुए माहिर अमराज ने कम उम्र बच्चों में भी इस बीमारी के फैलने के अंदेशे का जिक्र करते हुए कहा, पिछले कई रोज से गांधरबल में इस वबाई बीमारी ने नवजायद बच्चों और एक साल से जायद उम्र के बच्चों को अपनी लपेट में लिया, जो कि बासे तश्वीश है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस वबाई बीमारी को नवजायद बच्चों में फैलने से रोकने के लिए घरों में भी SOPs की पैरवी करें, ताकि इस वबाई बीमारी का मुकाबला किया जा सके। उन्होंने सभी लोगों से कहा है कि वो जिले इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन का भरपूर ताउन दें और साथ ही बिना किसी वजह घर से बाहर न निकलें। माहिर अमराज ने कहा कि लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने लोगों से पुरजोर अपील करते हुए कहा कि वो दिए गए एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल करें, ताकि इस वबाई बीमारी का खात्मा हो सके। पेशे वैली ऑनलाइन वेब डेस्क की ये रिपोर्ट। पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एटलीस्ट 12-14 केसेस जो हमने पिकअप किए हैं कोविड पॉजिटिव, RT-PCR पॉजिटिव या रैट पॉजिटिव थे, और उन 14 की जो एज ग्रुप में अगर हम देखें, राइट फ्रॉम फर्स्ट नियोनेट भी हमारे पास 3 आए जो पॉजिटिव थे, और 14 साल तक बच्चे जो है वो बाकी एजेस में आ गए थे। एक चीज देखने में हमें ये है, क्लिनिकली हमें प्रेजेंटेशंस आती है बच्चों की। पिछली बार जब प्रेजेंटेशन थी, इट वाज ओनली कि भाई पेरेंट्स पॉजिटिव है, बच्चा भी पॉजिटिव है, फिब्राइल है, कोई चीज नहीं थी। मगर आज हम देख रहे हैं कि एक तो है कि पेरेंट्स पॉजिटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, मत बच्चे में सिम्टम्स भी है, लाइक उसमें फीवर आ गया है, सोर थ्रोट है, इजी फिटिगेबिलिटी है, लॉस ऑफ एपिटाइट है, या खांसी ज्यादा आ रही है, बच्चे को नींद नहीं आ रही है, चिड़चिड़ापन है, मतलब है कि सेकेंड वेव के सिम्टम्स अगर बच्चे में हम देखें तो है, पिछले वेव में थोड़े कम थे या कुछ भी नहीं थे। मगर हाँ, प्रिडिक्टेबिलिटी उनकी जो WHO की प्रिडिक्टेबिलिटी है उसमें हाँ हम ये बोल सकते हैं, हाँ जी ये है कि जो ओपिनियन कंसेंस ओपिनियन है कि सेकेंड वेव या थर्ड वेव में पॉपुलेशन जो लेस देन 12 इयर्स है वो इफेक्ट होगी, हाँ बिल्कुल हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सो वी हैव टू मेंटेन स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस ऑफ SOPs, स्पेशली जो हम बड़े हैं, हम अगर चाहे तो ये वेव जो है थर्ड वेव इन्वॉल्व बच्चों में वो कम हो जा सकती है, अगर हम प्रिकॉशंस स्ट्रिक्ट ले एडल्ट की, क्योंकि ट्रांसमिशन तभी होगा जब एडल्ट होगा, बच्चे में ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है, मगर ये इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी हो सकती है। और दो रफली जो अभी तक कोरोना का ट्रांसमिशन है बच्चों में 43% ही पॉपुलेशन हो सकती है, मगर हाँ अगर पॉपुलेशन कम्युनिटी एक्यूट ट्रांसमिशन इतना ज्यादा हो जाएगा तो ये जंप कर सकता है 68-70% तक। तो इफ वी मेंटेन अ गुड SOPs, हर कोई SOP फॉलो करे, घर के अंदर भी फॉलो करे, बाहर निकले हैंड सैनिटाइज।